नमस्कार दोस्तों, मैं अमित तरफ सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पोल्ट्री पे स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मेरे ब्रॉयलर का एज है 31 डेज और एवरेज जो बॉडी वेट है वो 1600 के आसपास होगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो जिस तरह से गर्मी चल रही है तो उसमें चीक्स को पालना थोड़ा सा मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि ये जो चीक्स है उतना गर्मी पर नहीं आया था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो चीक्स में थोड़ी सी परेशानी आ रहा है, तो उसको हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्चुअली विंटर सीजन में तो आप कोई भी वीड आराम से पाल सकते हो, लेकिन समर सीजन में आपको वीड चूज़ करना है कि कॉब का, क्योंकि कॉब में जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है वो कम से कम करना पड़ता है, क्योंकि कॉब ब्रीड जो है थोड़ा सा मजबूत ब्रीड है, उसमें डिजीज़ बोलिए या तो फिर गर्मी बोलिए बहुत ही कम लगता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी जो टेम्परेचर चल रहा है 43 डिग्री के आसपास चल रहा है, तो चीक्स देख पा रहे हो कि किस तरह से फैल के बैठा है और ठीक तरह से फिर इंटेक कर रहे हैं, मतलब उतना गर्मी उसको नहीं लग रहा है। अगर चीक्स में मैं आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ कि बहुत सारे फार्मर्स बोलता है कि मैं अभी अभी फार्म पे घूम के आया लेकिन बहुत हद तक हीट स्ट्रोक मोर्टेलिटी हो गया, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक सिम्टम दिखा दे रहा हूँ कि किस बर्ड्स पे मोर्टेलिटी होता है। ये जो देख पा रहे हैं कि मुँह ऊपर करके हाँफ रहा है, तो इसका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही हाई है, इसमें मोर्टेलिटी आपको कम से कम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन चीक्स का मुंह अगर लीटर में एकदम समान कर देगा, मतलब लेवल कर देगा, मुंह नीचे कर देगा, उसमें क्या होता है हीट स्ट्रोक का मोर्टेलिटी उस बर्ड्स में बहुत हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि उसका शरीर का जो ताकत है वो दिन ब दिन घटती जा रहा है और वो मतलब हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये जो देख पा रहे हैं कि मुँह ऊपर करके हाँफ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मुंह जो है लीटर से बहुत हद तक ऊपर है, अगर इस तरह से मुंह नीचे कर देगा तो उसका हेड टेम्परेचर में आ जाएगा, मतलब लीटर का जो गर्मी है उसका माथे पे चला जाएगा, तो इसके चलते हीट स्ट्रोक का जो मोर्टेलिटी है वो हो जाता है। तो आप एक बार उसको देख लीजिए कि आपका चीक्स जो है मुँह ऊपर करके हाँफ रहा है या तो फिर मुँह नीचे करके हाँफ रहा है, तो ये एक बार चेक कर लीजिए। और दो पैर में आप इलेक्ट्रोलाइट या तो फिर हीट केयर जो भी है, मतलब शरीर को कूल करने के लिए उस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सोचा कि एक वीडियो बना के आप सभी को एक बार दिखा दूँ करंट सिचुएशन मेरे फार्म में क्या है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर पोल्ट्री फार्मर को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। और मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं हर रोज़ देता रहता हूँ, ताकि आपके पास पहुँचे, आप उसको चेक कर पाए। धन्यवाद।